दोस्तों डायनामिक मूवमेंट्स टू वार्म अप बिफोर वेट ट्रेनिंग आज इस पर बात करेंगे। तो पहले पांच मूवमेंट हमने दिखाए हैं, ये तो आपको डेली करना है, कोई भी पार्ट ट्रेन करें आप। उसके बाद के मूवमेंट्स हैं आपकी लेग्स के लिए, स्पेशली जिस दिन आपने लेग्स ट्रेन करना है उस दिन ये सारा मूवमेंट आपको करना है। तो आपकी लेग्स रेडी हो जाएंगी वेट उठाने के लिए, इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग से पहले डायनामिक मूवमेंट, ट्रेनिंग के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये खासतौर से आपने याद रखना। कल किसी और पार्ट के लिए करेंगे, आज ये लेग्स का आपने दिखाया है तो इसको सीख लें, अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों। डायनामिक मूवमेंट्स टू वार्म अप बिफोर वेट ट्रेनिंग आज इस पर बात करेंगे। तो पहले पांच मूवमेंट हमने दिखाए हैं, ये तो आपको डेली करना है, कोई भी पार्ट ट्रेन करें आप। उसके बाद के मूवमेंट्स हैं आपकी लेग्स के लिए, स्पेशली जिस दिन आपने लेग्स ट्रेन करना है उस दिन ये सारा मूवमेंट आपको करना है। तो आपकी लेग्स रेडी हो जाएंगी वेट उठाने के लिए, इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग से पहले डायनेमिक मूवमेंट, ट्रेनिंग के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये खासतौर से आपने याद रखना। कल किसी और पार्ट के लिए करेंगे, आज ये लेग्स का आपने दिखाया है तो इसको सीख लें, अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू।